दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त लकी गुबरेले आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आप घर बैठे कैसे अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, A to Z सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक है तो ये आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके अंदर आप डेस्कटॉप मोड ओपन कर लीजिएगा और उसमें आपको सर्च करना है आधार। आधार सर्च करने के बाद जो पहली साइड ओपन हो के आ रही है, ठीक है, उसको आपको ओपन कर लेना है। ये इसको ओपन करने के बाद जो सबसे ऊपर माय आधार आ रहा है, ठीक है, उस पर आपको कर्सर लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ये आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक नया टैब ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसको थोड़ा स्लाइड डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ आ रहा है प्रोसेस टू अपडेट आधार। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है जैसे क्या आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, और नीचे साइड में जो है कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये मैंने आधार नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, नीचे साइड में जो कैप्चा आ रहा है उसको मैं एंटर कर देता हूँ। अगर कैप्चा क्लियर नहीं हो तो आपको उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई करना पड़ेगा। चलो मेरे पास OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई कर देता हूँ उसको। चेंको को OTP आपको इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है ऑप्शन चूज़ करना है कि आपको क्या अपडेट करना है। ठीक है, मुझे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है। अगर आपको इसके अलावा बाकी चीज़ें भी अपडेट करनी हो तो वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करके बता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यस कर दीजिए और इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद में देखो करेंट जो डेट ऑफ बर्थ है ऊपर साइड में शो हो रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी राइट डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ठीक है, मैं अपनी राइट डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो चीज़ें आपने अपडेट करी, ठीक है, वो सारी दिख जाएंगी। यहाँ पे आपकी जो न्यू डेट ऑफ बर्थ आपने अपडेट करी वो भी दिखेंगी। उसके अलावा जो आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स वो भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, इसको वेरीफाई कर देना और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको एंटर कर देना। आपको कैप्चा एंटर करने के बाद उसको सबमिट करेंगे तो 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड होगा। ठीक है, तो उसको आपको फिर से एंटर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो चेकबॉक्स है उसको क्लिक करने के बाद मैक पेमेंट पर जाना है। मैक पेमेंट पे जाओगे आप तो आपका जो पेज है वो रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट है। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी से करते या फिर किसी आधार सेंटर से करते हो तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता। मैं यहाँ पे अपने जो डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट करने के लिए चूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और अपना नेम, ये सारी डिटेल इंटर कर देता हूँ। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आप प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करने का ऑप्शन आया जो आपके बैंक के साथ लिंक हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे OTP आपको एंटर करना है। ठीक है, मेरे पास 6 अंकों का OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पे OTP नंबर डाल के इसको सबमिट कर देता हूँ। OTP सबमिट होने के बाद आपका जो पेज है फिर से रिडायरेक्ट होके आधार के पोर्टल पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एसनोलेस स्लिप जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नीचे साइड में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और अपना आधार का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आधार का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस स्लिप को डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि आधार स्टेटस चेक करने के लिए यूज़ में आएंगे, ठीक है। इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ किस तरह की स्लिप है। कुछ इस तरह की ऐसे स्लिप आएंगे, ठीक है। उसमें आपका जो भी अपडेट किया वो सारी चीज़ें आपको इसमें मतलब सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए माय आधार पर जाना है, फिर से अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे चल जाना आपको, ठीक है। थोड़ी स्लाइड डाउन करोगे आप तो यहाँ देखो नीचे साइड में आ रहा है चेक अपडेट स्टेटस, ये सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है सबसे ऊपर साइड में, ठीक है। और जो एसनोलेज स्लिप है तो उसमें जो URN नंबर है वो आपको नीचे साइड में एंटर करना है, ठीक है। आधार नंबर प्लस URN नंबर, ठीक है। उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।